हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू भुतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री आरपीजीपीसी दोसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 8 जल के टॉपिक जल की कठोरता का ईडीटी विधि द्वारा निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। जल की कठोरता जल में विलेय कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन के लवणों के कारण होती है। जल की कठोरता ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं, उसमें से सिलेबस के अनुसार हम ईडीटी विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम संकुलमिति विधि, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक विधि भी कहते हैं। ईडीटी का पूरा नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसका कि स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन में, फुल फॉर्म ऑफ EDTA एंड स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। EDTA एक प्रबल संकुल कारक होता है जो कि कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, संकुल बनाता है। EDTA की कैल्शियम व मैग्नीशियम आयन्स के साथ संकुल बनाने के गुण का उपयोग करके जल की कठोरता को ज्ञात किया जाता है। और जल की कठोरता ज्ञात करने के लिए जल में एरियोक्रोम ब्लैक टी सूचक मिलाकर उस जल का EDTA के साथ टाइट्रेशन कराया जाता है, और एंड पॉइंट पर कलर चेंज होता है वो वाइन रेड से ब्लू कलर चेंज होता है। इस दौरान जल की पीएच 9 से 10 के बीच में कांस्टेंट रखी जाती है। नेक्स्ट, केमिकल्स रिक्वायर्ड। EDTA विधि एक टाइट्रेशन मेथड के द्वारा जल की कठोरता ज्ञात की जाती है। इस विधि में हमको ये केमिकल निम्न केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड हार्ड वाटर, मानक कठोर जल, ऐसा कठोर जल जिसकी कठोरता हमको पहले से पता हो। तो इस जो स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हम यहाँ काम में ले रहे हैं, उसकी कठोरता है 1 mg/ml, 1 ml में 1 mg कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व है। सेकंड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है EDTA सॉल्यूशन। थर्ड इंडिकेटर EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी, जिसका कलर ब्लू होता है। फोर्थ है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन जल की पीएच को 9 से 10 के बीच में मेंटेन रखने के लिए बफर सॉल्यूशन ऐड किया जाता है। और लास्ट है सैंपल हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जिसका कि हमको को जल जिसकी हमको कठोरता ज्ञात करनी है। सिद्धांत, EDTA विधि का सिद्धांत थ्योरी। इसमें सबसे पहले कठोर जल में इंडिकेटर सूचक EBT ऐड किया जाता है, और जैसे ही सूचक EBT ऐड किया जाता है तो सूचक EBT जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ रिएक्ट करके वाइन रेड कलर का अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, अस्थाई संकुल बना लेता है, जो कि इस रिएक्शन में लिख के बताया है कि हमने वाटर लिया, वाटर में EBT सूचक मिलाया। EBT सूचक मिलाते ही, क्योंकि हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन यदि होंगे तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ EBT कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ EBT ने कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये एक SI कॉम्प्लेक्स होता है और इसका कलर वाइन रेड होता है, जिसके कारण पूरे वाटर का कलर वाइन रेड हो जाता है। अब उसी वाइन रेड सॉल्यूशन में EDTA ऐड किया जाता है, और EDTA भी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स है वो EBT के कॉम्प्लेक्स की तुलना में ज़्यादा स्थाई होता है। तो अतः जो वाइन रेड कलर वाला सॉल्यूशन था उसमें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का EBT के साथ कॉम्प्लेक्स था, और जैसे ही उसमें EDTA मिलाया तो EDTA कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि ज़्यादा स्थायी होता है। अतः वह EBT को वहाँ से रिप्लेस कर देगा, EBT को तो हटा देगा और EBT को मुक्त कर देगा, और EDTA खुद कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो इसके कारण EBT क्योंकि फ्री हो गया है और EBT का रंग ब्लू होता है, इसलिए इसका फाइनली सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है एंड पॉइंट पर। ये इस विधि का सिद्धांत है, इसमें दोनों रिएक्शन लिखनी होती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। इस विधि का पूरा प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट है, 3 स्टेप में होता है।
क्योंकि हम तीनों तरह की हार्डनेस ज्ञात करेंगे, कुल कठोरता, जल की स्थायी कठोरता और जल की अस्थायी कठोरता, तीनों तरह की कठोरता ज्ञात करेंगे। फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटीए सॉल्यूशन, ईडीटीए का मानकीकरण। इसके लिए हम लेते हैं ब्यूरेट में, सबसे पहले ब्यूरेट में ईडीटी सॉल्यूशन भर लेते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में 20 ml मानक कठोर जल स्टैंडर्ड हार्ड वाटर उस लेते हैं, उसमें 2 ml बफर सॉल्यूशन ऐड करते हैं, 2 ml ईबीटी इंडिकेटर ऐड करते हैं। तीनों को ऐड करने पे सॉल्यूशन का कलर वाइन रेड हो जाएगा और उसकी फिर ईडीटी सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेशन कराई जाती है और एंड पॉइंट पे कलर चेंज वाइन रेड से ब्लू कलर चेंज हो जाता है। उस वक्त हम ब्यूरेट की रीडिंग नोट कर लेंगे। सपोज माना कि जो ईडीटी यूज हुआ है उसका वॉल्यूम V1 है। सेकेंड स्टेप डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ सैंपल हार्ड वाटर। फर्स्ट स्टेप में हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर काम में लिया था, इस बार हमको वो हार्ड वाटर काम में लेना जिसकी कुल कठोरता ज्ञात करनी है। सैंपल हार्ड वाटर काम में लेना, पूरे स्टेप प्रोसेस वो का वही है। 20 ml ऑफ सैंपल हार्ड वाटर प्लस 2 ml ऑफ बफर सॉल्यूशन प्लस 2 ड्रॉप्स ऑफ ईबीटी इंडिकेटर, इसकी ईडीटी के साथ टाइट्रेशन की जाती है, एंड पॉइंट पे वाइन रेड कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। सपोज द वॉल्यूम ऑफ ईडीटी यूज्ड इज V2। थर्ड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ सैंपल हार्ड वाटर। अब सैंपल हार्ड वाटर की स्थायी कठोरता ज्ञात करने के लिए हमें उसमें से अस्थायी कठोरता को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए सैंपल हार्ड वाटर को बॉईल करके फिल्टर्ड किया जाता है। बॉईल करके या फिल्टर करने से अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस रिपीट किया जाता है और इस प्रोसेस को रिपीट करने के बाद में माना कि वॉल्यूम ऑफ ईडीटी यूज इज V3। नेक्स्ट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप के अनुसार स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ईडीटी सॉल्यूशन की कैलकुलेशन, उस कैलकुलेशन का डाटा इस प्रकार है कि V1 ml ऑफ EDTA यूज हुआ 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के लिए, क्योंकि हमने 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया उसके लिए V1 ml ऑफ EDTA यूज हुआ। 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट है 20 mg, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 1 ml में 1 mg कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसलिए 20 ml हार्ड वाटर, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में 20 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 20/V1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस, कि 1 ml EDTA है वो 20/V1 mg कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस के लिए यूज होगा। सेकेंड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर। सेकेंड स्टेप के जो टाइट्रेशन के डाटा ये थे, 20 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल हमने लिया था उसके लिए V2 ml ऑफ EDTA यूज हुआ। अब क्योंकि स्टेप फर्स्ट से आया कि 1 ml ऑफ EDTA है वो 20/V1 mg कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस के लिए यूज होता है, इसके लिए इसका मतलब हो गया कि 20 ml ऑफ हार्ड वाटर सैंपल में इतने V2 × 20/V1 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के बराबर हार्डनेस है। इसको हमने 1000 ml के लिए निकाल लिया जो हो जाएगा V2 × 1000/V1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये टोटल हार्डनेस होगी V2/V1 × 1000। थर्ड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। क्योंकि हमने अभी 20 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर लिया उसके लिए V3 ml ऑफ EDTA यूज हुआ और 1 ml ऑफ EDTA 20/V1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यूज होता है, इसलिए 20 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर में हार्डनेस हो गई V3 × 20/V1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। सो 1000 ml ऑफ बॉइल्ड हार्ड वाटर सैंपल में हार्डनेस होगी V3 × 1000/V1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और लास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। इन
कैलकुलेशन का रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल फर्स्ट टोटल हार्डनेस इज इक्वल्स टू वी टू अपॉन वी वन इंटू 1000 ppm और mg पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, परमानेंट हार्डनेस v3 अपॉन v1 इंटू 1000 ppm और mg पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल्स टू v2 माइनस v3 अपॉन v1 इंटू 1000 ppm और mg पर लीटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। तो इस प्रकार आज हमने जल की कठोरता को EDTA विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं उसके सारे प्रोसेस को पढ़ा था। इसमें BTER के सिलेबस के अनुसार मुख्य रूप से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो इसका प्रिंसिपल या सिद्धांत EDTA विधि द्वारा जल की कठोरता ज्ञात करने का सिद्धांत। सेकंड क्वेश्चन बनता है इसमें कि EDTA विधि में कौन कौन से केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि सूचक का नाम कौन सा होता है और EDTA का फुल फॉर्म, EDTA का स्ट्रक्चर, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू।